mix a pentavalent impurity in a crystal lattice of germanium, what type of semiconductor formation will occur? So, अगर हम एक pentavalent impurity, that is an impurity with 5 valence electron, उसको introduce करते हैं germanium crystal में, तो ये क्या करेगा? ये germanium atom के एक एटम को रिप्लेस कर लेगा, ठीक है? तो अब उससे क्या होगा, 4 ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कि जो हमने इंप्योरिटी ऐड की थी उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो उनमें से 4 तो हमारे जर्मेनियम के साथ, मतलब ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 जर्मेनियम एटम जो बचे उनके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि देखो जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने क्या किया था, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ऐड करवाया था, तो इसके 4 ने तो बॉन्ड बना ली, राइट? अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा, दैट इज फ्री टू मूव, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है? वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है? अब जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, उसी वजह से हम इस क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल का नाम देंगे। तो अगर एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एक क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम में मिक्स करते हैं, तो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा, दैट विल बी एन